नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN 9 News और आपके साथ मैं हूं सपना सूरी। पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, तब से ही विपक्षी नेताओं का काफी ज्यादा ममता बनर्जी के ऊपर प्रेम जाग रहा है। इसकी नुमाइंदगी हर रोज देखने को मिल रही है। हाल ही में ममता बनर्जी को लेकर सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी जीत की उन्हें बधाई दी। लेकिन अब कांग्रेस के कई दिग्गज नेता लगातार सोनिया गांधी से लेकर काफी ज्यादा दिग्गज नेता ममता बनर्जी को जीत की बधाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपनी हार को इस समय भूल ही गई है और वो ममता बनर्जी की जीत में ही अपनी जीत को तलाश रही है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी की जीत के साथ काफी ज्यादा नुकसान बंगाल में कांग्रेस को उठाना पड़ा है। हालांकि लाख दावे अधीर रंजन चौधरी के यहाँ फेल हो गए। उन्होंने कहा था कि हम बंगाल में काफी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता दिखाई दिया। बंगाल के चुनावी नतीजों से साफ हो गया कि बंगाल में कांग्रेस का सूबड़ा लगभग अब साफ हो चुका है। यहाँ एक तरफ टक्कर ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी के बीच साफ साफ नजर आए। कांग्रेस और अन्य दल यहाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए। लेकिन अब कपिल सिब्बल की ओर से ममता बनर्जी को लेकर एक ट्वीट किया गया है, जिसमें कपिल सिब्बल का ममता प्रेम साफ साफ नजर आ रहा है। क्या है कपिल सिब्बल का ये ट्वीट, इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी को एक के बाद एक नेताओं के बधाई देने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत की सराहना करते हुए अहंकार, धन बल और विभाजनकारी एजेंडे की हार बताया है। सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में अहंकार, ताकत, धन बल, राजनीति के लिए जय श्री राम के इस्तेमाल, विभाजनकारी एजेंडे और निर्वाचन आयोग की हार हुई है। सिब्बल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा है कि इनके सामने वो खड़ी हुई हैं और जीत भी गई हैं। वहीं शिवसेना की ओर से कहा गया कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अजय नहीं है। पार्टी ने कहा कि COVID-19 वैश्विक महामारी से निपटने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे केंद्र सरकार तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी को हराने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में लगी थी, लेकिन उसका फायदा उन्हें नहीं मिल सका। बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाई है। परिणाम साबित होता है कि पूरा तंत्र और सभी प्रौद्योगिकियां पास होने के बावजूद मोदी शाह अजय नहीं है। शिवसेना ने पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन ममता बनर्जी को समर्थन दिया था। उसने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने ममता बनर्जी को हराने के लिए धन, शक्ति और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया है। वहीं कपिल सिब्बल ने भी सामने आकर ममता बनर्जी पर भरोसा जताया। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। वहीं विपक्ष के तमाम नेता इस समय सामने आकर ममता बनर्जी की जीत में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी की हार का जश्न मना रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि विपक्ष की एकजुटता क्या मोदी सरकार के लिए हानिकारक साबित होती है या नहीं। अब कपिल सिब्बल ही ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है। इससे पहले सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव से लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी ममता बनर्जी को बधाई दी है जीत की। उन्होंने कहा है कि ममता की जीत काफी ज्यादा मायने रखती है, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ पूरा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है, इसमें विपक्ष की एकजुटता तो दिखाई दे ही रही है। लेकिन क्या विपक्ष की एकजुटता आने वाले यानी कि 2024 के आगामी चुनाव के लिए बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, या ये विपक्ष की एकजुटता सिर्फ एक दिखावा साबित होगी, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SBN 9 News के साथ।